तो आज भी आदर स्थान हमारा बाला साहब रहेंगे हमेशा। तो आज कहीं ना कहीं उनकी स्मृति दिन है। तो इस वसई तालुका में मैंने देखा है सुबह से अब तक के हमारे जो पालक मंत्री हैं उनके आने के स्वागत में जगह जगह पर बड़े बड़े बैनर्स लगे हैं और उनका स्वागत करने के लिए अच्छी बात है, करना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं इस बात का दुख है हमारे मन में, क्योंकि हमारे मन में बाला साहब बसते हैं। तो उनकी पुण्यतिथि या उनका स्मृति दिन कहीं पर भी बैनर के माध्यम से शिवसेना की तरफ से लोगों को बताया नहीं गया, इस बात का हमको तहे दिल से बहुत ज़्यादा दुख है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मैं संजय मेहरा, सब मनसे पदाधिकारी है। आज वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत माननीय मंत्री महोदय पालक मंत्री का दौरा है, क्या कहें? दौरा तो है उनका, होना भी चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि 2 साल से कोविड का प्रभाव चल रहा है और उसको कोविड के प्रभाव में कितने लोग प्रभावित हुए थे और कितने लोगों को अब तक उसके पैसे नहीं मिले हैं। तो दौरा होगा तो दौरा के माध्यम से बताया जाएगा, उनको जानकारी दी जाएगी और उस जानकारी के बाद में उनकी तरफ से कुछ ना कुछ होगा, ऐसे आशा रखता हूँ। इस दौरे में से कुछ ना कुछ निकल के आएगा और विषय बहुत से हैं, जैसे कि मेरे को पता चला वो ग्राउंड का दौरा करने वाले हैं, तो यहाँ पर क्रिकेट और बहुत से खेल खेले जाते हैं, तो होना चाहिए। पालक मंत्री यकीनन कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आए होंगे। अब देखते हैं दौरा होने के बाद में इसमें से क्या निकलता है। ये ट्रैफिक का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग हमारे पक्ष के माध्यम से बाकी के भी पक्ष के लोग पत्र व्यवहार करते रहते हैं। तो एक उड़ान पुल का जो हमने ईस्ट वेस्ट को जोड़ने के लिए एक और प्रस्ताव रखा था, उसके बारे में भी चर्चा होने वाली। देखते हैं दौरे के बाद अगर कुछ निकल के आए तो इस दौरे को हम सकारात्मक समझेंगे। आज जगह जगह पर स्वागत में पोस्टर लगे हैं और आज ही के दिन बाला साहब ठाकरे की स्मृति दिन भी है, तो उसके ऊपर क्या कहना है? अब इस बारे में अगर हम कुछ बोलते हैं तो राजनीति के तौर पर लिया जाएगा, मगर हम भी शिवसेना से ही निकले हुए कट्टर शिवसैनिक थे। महाराष्ट्र के लिए हम काम करते हुए जब हम अलग हुए, एक नई पार्टी के साथ में जुड़े, तो आज भी आदर स्थान हमारा बाला साहब रहेंगे हमेशा। तो आज कहीं ना कहीं उनकी स्मृति दिन है। तो इस वसई तालुका में मैंने देखा है सुबह से अब तक के हमारे जो पालक मंत्री हैं उनके आने के स्वागत में जगह जगह पर बड़े बड़े बैनर्स लगे हैं और उनका स्वागत करने के लिए अच्छी बात है, करना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं इस बात का दुख है हमारे मन में, क्योंकि हमारे मन में बाला साहब बसते हैं। तो उनकी पुण्यतिथि या उनका स्मृति दिन कहीं पर भी बैनर के माध्यम से शिवसेना की तरफ से लोगों को बताया नहीं गया, इस बात का हमको तहे दिल से बहुत ज़्यादा दुख है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि शिवसेना कहीं बाला साहब के आदर्शों से भटकते दिखाई देंगे? अब फिर वही बात आप मेरे से पूछना चाह रहे हो या मेरे मुँह से सुनना चाह रहे हो कि बाला साहब के सिद्धांतों पर शिवसेना कितनी चल रही है। ये तो जब शिवसेना ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी से युति की तभी हमको समझ में आ गया कि बाला साहब के कितने विचार है, क्योंकि उनका हमेशा से रहा था अगर मैं इन लोगों से युति करूंगा अगर सत्ता के लिए तो मैं उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा। तो आप देख रहे हैं 2 साल से उन लोग आपस में एक साथ रह के काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाला साहब के विचार की ये शिवसेना नहीं है ऐसा मुझे लगता है। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।